गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक दूसरा नाम और है जिसको बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, तो कैपेसिटर या कंडेंसर क्या काम आता है ये आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं तो आपको शायद याद आ जाएगी क्या काम आता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है कैपेसिटर। पहचाना इसको, कहां लगा रहता है याद आ रहा है? पंखे में। पंखे के अंदर ये कैपेसिटर ऊपर की तरफ लगा रहता है, अगर याद आया हो तो। तो ये कैपेसिटर कुछ काम है पंखे में, क्या काम है अभी पढ़ेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि इसको पंखे में क्यों लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है बड़े कैपेसिटर, छोटे कैपेसिटर्स भी होते हैं। छोटे कैपेसिटर या कंडेंसर होते हैं, तो इसमें यहाँ पे देखें, ये एक सर्किट है। ये सर्किट के अंदर ये नीले कलर का जो दिख रहा है ना आपको, ये कैपेसिटर है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर में पढ़ता हूं मैं कि क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा पास से देखना पड़ेगा। इसके ऊपर लिखा है 4 माइक्रोफेराड, इसका मतलब 4 μF लिखा, 4 माइक्रोफेराड। अच्छा, ये वाला भी कंडेंसर है, ये वाला देखें यहां पे दिख रहा है आपको, ये ब्लैक वाला, ये भी कंडेंसर है, इसके पीछे ब्लू वाला भी। दूसरा, ये भी एक तरीके का कंडेंसर है, ये वाला, ये इससे बना है, पोर्सलिन से बना हुआ है, सिरामिक कंडक्टर कहलाता, कंडेंसर कहलाता। और ये जो सादे कंडेंसर से अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कहलाते हैं ये। इसके ऊपर भी 6.3 वोल्ट लिखा हुआ है और 4700 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये कंडेंसर्स इस तरीके से सर्किट में काम में आते हैं। क्या काम आते हैं पहले ये अपन पता कर ले, फिर उसके बाद फिर पढ़ते हैं कि है क्या। ठीक है, तो कंडेंसर स्टोर्स एनर्जी। ठीक है, क्या करता है कंडेंसर? एनर्जी स्टोर करता है। इसका क्या काम है? एनर्जी स्टोर करना। इसके अंदर एनर्जी भर जाती है, किस फॉर्म में भर जाती है? तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भर जाती है, चार्ज के फॉर्म में भर जाती है। ठीक है, तो जब एनर्जी इसमें भर जाएगी तो जब हमें चाहिए होगा इससे एनर्जी, तो अपन वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर देखो 2.25 MFD लिखा है, यहां पे तुम खुद पढ़ पाओगे, देखो इसके अंदर तो क्लियरली विजिबल है। ये देखें, अभी थोड़ी देर में कम ये फोकस करेगा। हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा 2.25 MFD कैपेसिटर लिखा, बजाज का है ये, और 2.25 MFD के बाद लिखा ±5%। दिख रहा है क्लियर? और पास लूं, मैं पास लूंगा तो फोकस करेगा। हाँ, आप देखें, कैपेसिटर 2.25 ±5% 440 वोल्ट AC 50 हर्ट्स। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद 85 डिग्री स्टैंडर्ड कैपेसिटर मेड इन इंडिया। ठीक, तो दिस इज अ कैपेसिटर। क्या काम आता है? तो ये चार्ज स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, अब चार्ज स्टोर करता है तो कैसे स्टोर करता है और हम इस चार्ज का करेंगे क्या? तो जैसे मान लो कि कैपेसिटर है, तुमने इसको बिजली में लगाया, इसने क्या किया, इसके जो दो सिरे रहते हैं इसके अंदर चार्ज स्टोर करना चालू किया। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसे इसमें चार्ज भर रहा है, ऐसे भरता नहीं है, प्लेट में आता है, लेकिन मान ले कि चार्ज भर गया, लबालब चार्ज हो गया। अब जो चार्ज भर गया उसका करेंगे क्या? तो हमको ऐसा पता है कि एक चीज होती है बैटरी, ये होती है बैटरी, जिसको सेल भी बोल सकते हैं, सादे सेल्स। ये सेल में भी चार्ज भरा रहता, तो जब हमको चाहिए होता है तो हम इससे बल्ब कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है, या टॉर्च में डाल देते हैं तो टॉर्च जलने लग जाती है। तो सेल या बैटरी का तो हमारे पास पर्पस है कि सेल या बैटरी से हम क्या करते हैं, हम चार्ज लेते हैं और इससे हम बल्ब जला सकते हैं, ट्रांजिस्टर चला सकते हैं, जो इच्छा हो चला सकते हैं। ठीक है, ये बल्ब इसमें चलने लगा। अगर इस कैपेसिटर को इस बल्ब के दो सिरों पे जोड़ोगे, यहां पे और यहां पे, तो क्या होगा कि इसे इसका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है सिरा। ठीक है, दो सिरे रहते हैं इसके अंदर, दो प्लेट्स निकली रहती हैं, दो प्लेट्स देखो, एक प्लेट ये वाली और एक प्लेट ये वाली, एक प्लेट प्लस रहती है, एक प्लेट माइनस रहती है। तो ये क्या करता है कि ये, इसकी विशेषता ये है कि अपना चार्ज दे देगा। किसको दे देगा? इस बल्ब को दे देगा। अब चार्ज बल्ब को दे देगा तो बैटरी भी दे देती है, तो फिर इसमें भी नई बात क्या हो गई? लेकिन बैटरी में एक अलग बात है और कैपेसिटर में एक अलग बात है। क्या बात अलग है? वो अलग बात ये है कि बैटरी स्लोली स्लोली चार्ज देती है,
धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली स्लोली चार्ज देती देती जाएगी। इसलिए तो ये बल्ब एक दो घंटे चलता जाएगा इसके अंदर, जब तक बैटरी पूरी की पूरी खाली नहीं हो जाती। ये भी एक तरीके की बैटरी है, लेकिन ये क्या करता है, एकदम चार्ज फेंक देता, ठीक है, एक साथ चार्ज फेंक देता है, चार्ज इसके रखना ही नहीं, एकदम फेंक देता। इसका मतलब जितना चार्ज इसमें भरा हुआ है, इसमें यहां से यहां तक पूरा एक बार में फेंक देगा, जबकि ये बैटरी में जितना चार्ज भरा हुआ है, जो इतनी एनर्जी भरी हुई है, धीरे धीरे रिलीज करेगी। तो एक तरीके से ऐसा है कि ये नल जैसा पानी आ रहा है, बाल्टी धीरे धीरे भर रही है, और ये पानी इसकी बात करें तो पहले बाल्टी भर लेता और पूरी बाल्टी एक साथ फेंक देता, ठीक है। तो ये पिचकारी है होली की, और ये गुब्बारा है होली का, एक बार में फटता और सीधे सीधे जो है वो एनर्जी फेंक देता है। अच्छा, आप सीधे सीधे एनर्जी फेंक देगा तो उससे क्या फायदा, मतलब यहां तो अपने को पता है कि बैटरी धीरे धीरे एनर्जी देगी तो अच्छा बल्ब एक आध घंटा जलेगा। अब ये तो इसको एक साथ दे देगा तो बल्ब यूं जलेगा और अचानक बंद, क्यों, क्योंकि सारी एनर्जी एक साथ फेंक दी उसने। तो क्या ऐसी कोई जगह है जहां पे हमको ऐसी जरूरत पड़ती है, जहां हम एक साथ एनर्जी चाहते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, ऐसी कई सारी जगह है जहां हम धीरे धीरे एनर्जी नहीं चाहते, एक साथ चाहते। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि हाथ धोने खाना खाने के बाद तो तुम्हें धीरे धीरे पानी चाहिए, कि तुम्हें एक बाल्टी पानी सीधे डाल दे तुम्हारे ऊपर, तो तुमने क्या बोला कि नहीं हमें धीरे धीरे पानी चाहिए। लेकिन यदि मान लो कि नाली बंद हो गई, ठीक है, और नाली बंद हो गई और वो चोक हो गई है, तो उसके अंदर एक मग्गे से धीरे धीरे पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला। उसका क्या तरीका, एक बाल्टी भरो और जम के जो है फेंको उसके अंदर, तो सीधे प्रेशर लगेगा, सब साफ, ठीक। तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, बैटरी धीरे धीरे चार्ज देगी, कैपेसिटर एक साथ चार्ज दे देगा। अब एक साथ चार्ज दे देगा तो उसका उपयोग कहां पे है, तो देखें, एक पंखा अपन ने लिया, पंखे में क्यों लगाते हैं समझे उसको, एक पंखा लिया हमने। अब पंखे के अंदर जब करंट सप्लाई करी तो करंट में इतनी ताकत है कि इस पंखे को गोल घुमा दे और घुमाता रहे, ठीक, करंट में इतनी ताकत है। लेकिन हमें यह पता है कि जब भी किसी चीज को पहली बार गोल घुमाना होता है, फर्स्ट टर्न देना होता है, तो उसको स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उसके बाद वो घूमती रहती, कम से टॉर्क में भी काम चल जाता है। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि साइकिल का चलाना है, पैडल मारो, पहला पैडल बहुत दम लगेगा, उसके बाद जो है वो चल जाएगी, रोलिंग में आ जाती है। इसी तरीके से पहले बार पंखा जब घुमाते हैं ना, तो इसको ये जो करंट होता है सफिशियंट नहीं होता, इसको जोर का झटका चाहिए शुरुआत में, और एक बार झटका लग गया उसके बाद ये स्टार्ट हो जाती। तो ये जो करंट है ये सफिशियंट है इसको गोल घुमाने के लिए, लेकिन इनिशियली टॉर्क देने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर को इससे जोड़ दिया, और ये कैपेसिटर भरा हुआ है। अब जैसे ही अपन ने ऑन किया तो क्या हुआ कि इधर का जो करंट आया वो तो आया, इस कैपेसिटर की क्या विशेषता, ये भी अपनी एनर्जी एक साथ फेंक देता, ठीक है, ये अपनी एनर्जी एक साथ फेंक देता है, तो इसने अपनी एनर्जी एक साथ फेंक दी। अब ये जो एनर्जी एक साथ फेंकी तो उसने क्या किया कि इस पंखे को एक जम के टॉर्क दिया, उसके बाद कैपेसिटर खाली हो गया, खाली हो गया। लेकिन उससे क्या, अब हमारा जो करंट आ रहा है वो तो आ ही रहा है ना लगातार, वो उसको गोल गोल घुमा लेगा, ठीक है। इसका मतलब कैपेसिटर का काम हो गया, और इतनी देर में, थोड़ी देर के बाद ये कैपेसिटर वापस भर जाएगा और अगली बार के लिए तैयार हो जाएगा, अगली बार फिर से चार्ज फेंकने के लिए। क्लियर हुई बात? तो पंखा शुरुआत में टॉर्क देने के लिए कैपेसिटर चाहिए पंखे को, और बाद में चलाए रखने के लिए सादा करंट चलेगा। तुमने ऐसा देखा होगा कि अपन जब ट्रेन में बैठते हैं, भारतीय रेल, तो जैसे ही पंखा चालू करते हैं, गर्मी के दिनों में पंखा चलता ही नहीं है, ठीक है, फिर क्या होता है, एक आदमी नहीं पीछे से आता है और यूं करके ऐसे वो निकालता है कंघा, वो कंघा निकाल के यूं करके ऐसे धक्का मारता पंखे में, और जैसे ही झटका मारता पंखा चालू हो जाता है। इसका मतलब पंखे में क्या खराब था, कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि पंखा तो सही है, करंट आ रहा है उससे वो गोल भी घूम जाएगा, लेकिन शुरुआती झटका कौन दे, तो कैपेसिटर खराब हो गया, तो शुरुआती झटका आपने हाथ से ही दे दिया। आई बात समझ में? तो कभी भी घर में पंखा खराब हो जाए तो समझ लेना शुरुआती झटका नहीं। वैसे इसका एक उपयोग और है कैपेसिटर का, ये हर साइकिल के बाद थोड़ा थोड़ा जोर लगाता, थोड़ी थोड़ी देर, उससे स्पीड मेंटेन हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, अपन पंखा देखा है 2-4 साल चलाने के बाद जो है वो स्लो हो जाता, तो 5 नंबर की स्पीड पे भी ऐसा चलता है जैसे 3 नंबर पे चल रहा,
तो फिर क्या करो कि उसका जो कैपेसिटर है ना वो बदलवा दो, कैपेसिटर खराब हो गया। जैसे ही कैपेसिटर बदलवाओगे वो बहुत तेज चल जाए। अब कैपेसिटर जितनी ज्यादा कैपेसिटी का डलवा लेंगे, जो स्टैंडर्ड लगा आता है ना, जैसे इसके ऊपर 2.25 MFD मेगा फेराड है, तो ये 2.25 की जगह अगर अपन ने 3 MFD का डाल दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो पंखा और तेज घूमने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब ज्यादा ही तेज, मतलब होता ऐसा है कि हल्की सी चीज में तुम बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे हर साइकिल के बाद, तो तेज तेज घूमेगा। अब किसी ने बोला कि ये तो 2.25 का, मैं तो 500 का एक बार में लगा दूंगा कैपेसिटर, इतना बड़ा लेके आऊंगा डब्बे जितना। अब इतना बड़ा कैपेसिटर लेके तो आ जाएगा, ठीक है, कितना बड़ा कैपेसिटर, इतना बड़ा कैपेसिटर एक बार भी पंखे में लगा दूंगा। अब ये लगा तो देगा, लेकिन फिर वो पंखा इतनी तेज घूमेगा कि उखड़ जाएगा। तो मैंने देखा एक यूट्यूब पे चैनल है, वो उस आदमी का काम ही यही है, पूरा चैनल ही इसी चीज के लिए बना हुआ। वो क्या करता है कि डिफरेंट ब्रांड के पंखे खरीद के लाता है, कोई बजाज के और किसी किसी चीज के, और डिफरेंट कैपेसिटर्स लगा के उसके अंदर स्पीड बड़ा बड़ा के दिखाता है, इतनी तेज तेज स्पीड हो जाती है कई बार तो वो पंखा उखड़ के गिर जाता, ठीक है। तो लेकिन एक चीज है, पंखा खराब हो जाएगा उससे, क्यों, क्योंकि कंपनी ने जब बनाया है कि 2.25 माइक्रोफेराड पे इसको चलने के लिए बनाया है, तुम जबरदस्ती उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो, एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो तो खराब हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि समय के साथ साथ जब ये माइक्रोफेराड तो जुते ही रहेंगे, अगर ये कैपेसिटर डाउन होने लग गया, इसकी फंक्शनिंग वीक होने लगी, तो तुम इसको चेंज कर दो, लेकिन उसी से चेंज करो जितना लिखा हुआ इसके ऊपर, ठीक है। तो पंखा जो है वो ओरिजिनल न्यू जैसा फास्ट हो जाए। चलिए, ये एक बात समझ में आ गई, कैपेसिटर जो है वो काय के काम आता है, फास्ट, किसी भी चीज को फास्ट देना। अब तुमको दिमाग में कोई और आइडिया आया कि कहीं कहीं तुम चाहते हो क्या फास्ट चार्ज हो, आया होगा। मोबाइल को अपन चाहते हैं कि फास्ट चार्ज हो, हमारा मोबाइल खराब हो गया, खत्म हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, हम बोल रहे हैं कि एक घंटे तक चार्ज करेंगे तो चार्ज होगा, ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट लगाए और चार्ज हो जाए। तो फिर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, फास्ट चार्जिंग कैपेसिटर। तो अभी अभी मैंने देखा है एक नया मोबाइल लिया है, तो उसके अंदर जो है वो ऐसा देखा कि फास्ट चार्जिंग मोड दे रखा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग तो मुझे समझ में आ गया है, कैपेसिटर लगा दिया होगा इन्हें, तो उसमें लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, एकदम चार्ज भर लेता और सीधे भर देता है उसके अंदर बैटरी में, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन है कि आप फास्ट चार्जिंग मोड पर रखना चाहते हो कि नॉर्मल चार्जिंग मोड पर रखना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों, नॉर्मल चार्जिंग मोड पर क्यों रखवाना चाहता है, जो 10 घंटे में काम होने वाला है वो कैपेसिटर लगा के 1 घंटे में हो जाता है, तो फिर 10 घंटे क्यों इंतजार किया जाता है। उसका कारण यह है कि उसमें लिखा है कि अगर तुम फास्ट चार्जिंग मोड पे करोगे तो बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज को जल्दी जल्दी कर देने से उसका मजा खराब हो जाता है, किया जा सकता है कि मजबूरी है जहां पे भी, जैसे कैपेसिटर इसको फैन स्टार्ट करने के लिए तो चाहिए ही, लेकिन हमेशा लगा के रखो तो फिर क्या होगा कि वो तेज तेज स्पीड बढ़ाओगे तो खराब हो जाएगा। तो कभी बाई चांस तुम ऐसा है कि इमरजेंसी में चले गए होटल में 1 घंटे के लिए रुके, और 1 घंटे के बाद तुम्हें मोबाइल चाहिए, फोटो खींचने बहुत सारे, शादी का समय चल रहा है, तो उस केस में तुमने फास्ट चार्जिंग कर दी समझ में आ रहा है, लेकिन हर वक्त फास्ट चार्जिंग करोगे तो बैटरी खराब होगी उसके थोड़े दिन में। कोई भी चीज अगर तेज तेज की जाएगी तो वो किसी चीज को खराब ही करेगी, ठीक है ना, फास्ट चीजें। इसलिए कंस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा स्लो होता है और डिस्ट्रक्शन जो है वो फास्ट होता है। पेड़ उगाने में 10 साल लग जाएंगे, काटने में 1 मिनट लगेगा, बिल्डिंग बनाने में 4 साल लग जाएंगे, उड़ाने में एक एक्सप्लोजिव लगेगा 10 मिनट में उड़ा देगा। कंस्ट्रक्शन टेक टाइम एंड डिस्ट्रक्शन टेक्स नो टाइम। आज तुम पढ़ रहे हो, 2-2 साल तक लगातार पढ़ते हो 11-12 का पूरा सिलेबस, तब जाके तुम्हें कुछ फिजिक्स आता है, और डिस्ट्रक्शन में क्या कितनी देर लगती है, नहीं पढ़ना तो 1 मिनट में खत्म, किसी भी चीज को डिस्ट्रक्शन कर दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन में तो समय लगेगा ना, तो रोज कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये बात हमको कैपेसिटर सिखा रहा। क्या तुम एक जगह और बता सकते हो, मोबाइल का एक बता दिया मैंने, कैपेसिटर एक जगह और बता दो। एक्चुअली क्या, प्रैक्टिकली जब तक आप जुड़ोगे नहीं ना चैप्टर से, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा लगेगा कहां, तब तक तुम पढ़ने का मीनिंग क्या उसका, ठीक है। तो देखें, मेरे सामने लगा हुआ कैमरा, इस कैमरे में कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है, कहां लगा हुआ है, तो जब इस कैमरे को निकाल के मैं नाइट में चलाता हूं तो मुझे फ्लैश लाइट्स चाहिए रहती है, तो फ्लैश लाइट्स के अंदर कैमरा लगा रहता, सॉरी कैपेसिटर लगा रहता। फ्लैश लाइट में कैपेसिटर कैसे लगा रहता है, तो तुमने कैमरा देखा होगा, ये कैमरा, ठीक है, सादा कैमरा कोई सा भी जिसके अंदर फ्लैश डला रहता है। यहां अब यहां पे जो फ्लैश डला रहता है उसके अंदर क्या होता है कि एक कैपेसिटर लगा देते हैं। अब क्यों लगा देते हैं, मान लो कि मैंने इसके अंदर जो बल्ब लगाया उससे डायरेक्ट एक सादा बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव और इधर साइड निगेटिव, तो क्या होगा कि ये डिम जलेगा जैसे टॉर्च चलती है। अब जब टॉर्च चलती है तो वो कोई फोटो खींचने लायक थोड़ी हो सकता है, फोटो के लिए तो हैलोजन टाइप चलना चाहिए, जैसे शादियों में जलते हैं तेज हैलोजन। तो इन लोगों ने क्या किया, यहां हैलोजन लगा दिया। अब हैलोजन को जलाने के लिए तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ चाहिए,
और लगातार हाई वाट का रहता है। तो इनने क्या किया है कि इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करके ये सेल तो लगाया लेकिन इसके बाद कैपेसिटर लगा दिया। अब ये कैपेसिटर से इसको कनेक्ट कर दिया फ्लैशलाइट को, और क्या किया कि सेल को कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अब समझे बात, सेल कहाँ से कनेक्टेड है? कैपेसिटर से। ठीक है, ये सेल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, इसको जोड़ दिया कैपेसिटर से। कैपेसिटर ने क्या किया कि जो धीरे धीरे नल आ रहा था उसको अपने अंदर बाल्टी के रूप में भर दिया, धीरे धीरे इस बैटरी का सारा चार्ज चूस लिया, ऐसा बोल दो। अब चार्ज चूस के लबालब हो गया। ठीक है, बैटरी से बोलते कि तुम चार्ज दो, तो धीरे धीरे एक एक बूंद टपकाती। अब इसने क्या किया कि इससे सारा चार्ज चूस लिया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो अब अपन जैसे ही इसका फ्लैश दबाएंगे, ये जैसे ही प्रेस करेंगे, ये क्या करेगा, कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी इस हेलोजन को 1 सेकंड के लिए दे देगा और तेज फ्लैश चमकेगा और बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतनी देर में तो फोटो खिंच गया ना, हमको वहां पे ऐसे लगातार डिम लाइट टिमटिमाता हुआ दिया थोड़ी चाहिए था कि जो 10 घंटे तक जले। हम चाहते थे कि एक ही बार में जले, पर फोटो खिंच जाए, तेज जले। ठीक है, तो इसने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, एक साथ फेंक दिया चार्ज। तो ऐसी जगह पे कैपेसिटर्स काम में आता है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर की क्या उपयोगिता है। मान लो कि मेडिकल साइंस में पूछे तो उस केस में अगर किसी का दिल स्लो चल रहा है तो उसको जो है वो धीरे धीरे पल्स देते हैं। ठीक है, और तुमने ऐसा भी देखा होगा फिल्मों में लास्ट सीन में वो कुछ लगा देते हैं ऐसे तो झटका खा के उड़ जाता है वो। ठीक है, प्रेस जैसी दो चीजें ऐसे लगा देते हैं और दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं जब, तो वो एकदम झटका खा के। तो किसी किसी जगह पे झटके चाहिए, हर जगह पे ऐसा नहीं चाहिए कि स्लो चाहिए, तो किसी किसी जगह पे झटके चाहिए, जहां झटका चाहिए होगा वहां पे तुमको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। हैवी मशीनरी जब भी इंडस्ट्री में है वो जब भी स्टार्ट करना होता है कोई स्टार्ट नहीं कर पाता, तो ये कैपेसिटर लगा के चार्ज इकट्ठा करते, फेंकते एक साथ, वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद सादे करंट से उसको चलाते रहते। ठीक, तो अब अपने को ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से कैपेसिटर के क्या उपयोग हैं, तो अपन इसको लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ना चालू करते हैं कि कैपेसिटर है क्या। पहले तो अपन उपयोग समझे उस चीज का, फिर उसके बाद पढ़ना चालू करें। तो यूजेस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, यूजेस ऑफ कैपेसिटर। नंबर वन, इन कैमरा, फ्लैशलाइट। नंबर टू, इन मोबाइल, फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग। नंबर थ्री, इन इंडस्ट्री, फॉर स्टार्टिंग हैवी मशीन, स्टार्टिंग हैवी मशीन्स। नंबर फोर, इन स्टार्टर ऑफ फैन, और भी कुछ हो सकते हैं, हर केस में काम क्या करता है ये तुमको बता दी। अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन इट्स प्लेट्स। दो प्लेट्स लगी रहती है इसमें, पॉजिटिव और निगेटिव, वो कंस्ट्रक्शन अभी अपन पढ़ेंगे उसका। तो दो प्लेट्स के बीच में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो जो एनर्जी स्टोर होती है उसको अपन बोलते हैं कि वो कैपेसिटर की स्टोर एनर्जी, उसको अपन जब चाहे उपयोग में ले सकते हैं। और वो होती काय के लिए, तो वो होती है चार्ज के रूप में। ठीक है, चार्ज के रूप में, प्लेट्स के चार्ज के रूप में स्टोर हो जाती है। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट, मिटा रहा हूं फिर मैं। चले, अब देखें यहां पे कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस। ठीक है, जैसे मैंने बोला बाल्टी गया, तो बाल्टी इज ए डिवाइस, बाल्टी स्टोर्स वाटर। ठीक है, लेकिन उसकी स्टोरेज की एक कैपेसिटी होगी ना, कि उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी होगी सपोज 2 लीटर, 10 लीटर, ऐसे इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी ना, कितनी कैपेसिटी का है। तो ये जो कैपेसिटी, इट इज मेजर्ड इन फेराड, FARAD, द यूनिट इज फेराड। ठीक है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फेराड। तो अब एक शब्द आएगा, उसका नाम है कैपेसिटी। ये शब्द क्या था, कैपेसिटर। अब ये क्या है, ये है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज,
ठीक है। कैपेसिटर में कैपेसिटी होती है, यानी कि एबिलिटी होती है, जिससे वो चार्ज स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज स्टोर करने की क्षमता को, चार्ज स्टोर करने की क्षमता को कैपेसिटी कहते हैं, और उसकी जो यूनिट है वो है फेराड, एफ ए आर ए डी, और ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, इतनी बड़ी यूनिट है। अब क्यों इतनी बड़ी यूनिट है तो अभी बताऊंगा। आप अगर मान लो कि बड़ी यूनिट है तो छोटी करो उसको, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी हाइट कितने किलोमीटर है, तो अजीब सा लगेगा ना, तुम्हारी हाइट कितने किलोमीटर, मतलब क्या हाइट, तो फीट में नापो, छोटी चीज में नापो, सेंटीमीटर मीटर में नाप लो ज्यादा से ज्यादा, मीटर में भी नापोगे तो 2 ही मीटर होगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, फीट में ही, ठीक है। तो अब इसलिए बहुत बड़ी यूनिट है, जैसे किलोमीटर हमारी हाइट के लिए, तो फिर क्या करते हैं उसको छोटा करने के लिए, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पीको फेराड, ठीक है, जनरली ये 3 इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्या है, माइक्रो फेराड, 1 माइक्रो फेराड, ठीक है, इट इज माइक्रो फेराड। 1 माइक्रो फेराड कितना होता है, तो 1 माइक्रो फेराड 10 की पावर -6 फेराड। 1 PF पीको फेराड, पीको फेराड कितना होता है, तो पीको फेराड 10 की पावर -12 नैनो फेराड, नैनो फेराड इज 10 की पावर -9 पीको नैनो, माइक्रो पीको नैनो, माइक्रो पीको नैनो फेराड, ठीक है। ये इस तरीके से छोटा कर लेते हैं इसको, और छोटा करना है तो माइक्रो माइक्रो भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, छोटा किया जाता है इसको, ठीक है। अब कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज किसके ऊपर आता है, मेटल सरफेस पे जाता है या किसी भी सरफेस पे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज की कुछ कैपेसिटी होगी, ठीक है ना, हर चीज की कुछ कैपेसिटी। जैसे मैंने बोला कि बॉटल है, इसमें 0.5 लीटर पानी आता है, यानी इसकी कैपेसिटी 0.5 लीटर है, ठीक है, चलो ठीक। अब ये डब्बा है, इसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, ठीक। उसके बाद अगर मैंने बोला कि ये पेन है, ये पेन ही है, चलो पेन खोल लिया, इसमें भी तो इंक भरी हुई है, इसकी कैपेसिटी 100 ml है, ठीक है। इसके ढक्कन की कैपेसिटी 10 ml है। हर चीज की कैपेसिटी होती है ना। अब किसी ने बोला कि ये चुल्लू ऐसे कर लो, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 5 ml है, ठीक है। अगर मैंने बोला उंगली, तो उंगली पे भी तो एक आध बूंद पानी आ जाएगा, तो इसकी भी कुछ कैपेसिटी है। इसका मतलब पूरी दुनिया में हर चीज की कोई कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की। तो ऐसे कैसे चार्ज स्टोर करने की भी सब चीजों की कैपेसिटी होती है। वो बात अलग है कि जो कैपेसिटर है या जो कंडेंसर है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चार्ज स्टोर करने के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। जैसे ये चार्ज स्टोर करने के, ये पानी स्टोर करने के लिए ही बनाया गया, तो इतने हिस्से में 0.5 लीटर पानी आ गया। अगर मान लो कि मैं यूं हाथ में ऐसे करूं तो 50-60 हाथ लग जाएंगे यहां से यहां तक, तब 0.5 लीटर पानी आएगा। क्यों, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है पानी इकट्ठा करने का। तो हमने क्या बोला कि अगर तुम्हें चार्ज इकट्ठा करना है तो तुम किसी भी चीज पे इकट्ठा कर सकते हो, उस पेन के ढक्कन में भी कर सकते हो, तुम कुछ कागज पे भी कर सकते हो, ये कागज पे भी चार्ज आ जाएगा अगर इसको चार्ज करना चाहो तो। तो कुछ तो कैपेसिटी होगी ना इसकी भी। अब इसकी कुछ कैपेसिटी होगी तो हमने क्या बोला कि कैपेसिटी हर चीज की होती है, लेकिन सब चीजों की कैपेसिटी बहुत कम होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसको बनाया इसी तरीके का। अब उसको बनाया क्यों है और कैसे बनाया गया है, तो कैपेसिटी बढ़ाई कैसे जाती है पता करने के लिए पहले यह देखना पड़ेगा कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां पर देखें, पोटेंशियल का कोई भी फॉर्मूला लो, तो जैसे चार्ज के लिए ले तो 1/4πε0Q/r। ये बताएं कि पोटेंशियल किस बात पर निर्भर करता है, तो पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन चार्ज, ठीक है। तो क्या मैं Q को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकता हूं, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है। तो यहां पे अपन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V में एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उस कॉन्स्टेंट को ही कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं, इस कॉन्स्टेंट को कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे, जनरल लिखाया था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू CV, सो Q इज इक्वल टू CV से C की वैल्यू मिल गई Q by V, तो C जो है वो क्या है, Q by V। तो इससे देखने में आता है कि कैपेसिटी एक तो चार्ज पे डिपेंड है, एक
वोल्टेज पे डिपेंड है, ठीक है, लेकिन ऐसा देखने में आता है, वास्तविकता में वो चार्ज पे डिपेंड नहीं है क्योंकि मैंने उसको एज ए कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करा हुआ, ठीक है। परंतु यदि किसी की कैपेसिटी बढ़ानी है तो वोल्टेज घटा के उस सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, वोल्टेज घटा के उस सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया Q इक्वल टू CV। इससे ये भी पता पड़ जाएगा कि 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। 1 फेराड किसके बराबर, 1 कूलाम बटे में 1 वोल्ट, इसको 1 फेराड बोलते हैं। तो अब ये क्यों मैं बोल रहा था कि वो बहुत बड़ी है यूनिट, तो उसका आंसर ये है कि ये जो 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट है, इससे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि कूलाम अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। इस पेन पे यदि देंगे ना तो पूरे पेन पे माइक्रो कूलाम में भी चार्ज नहीं आ पाएगा, नैनो पिको में जाना पड़ेगा, एक डब्बे में इतने में भी माइक्रो कूलाम में चार्ज नहीं आ पाता। पूरी की पूरी अर्थ ले लोगे ना तो भी उसमें 1 कूलाम चार्ज नहीं आ पाता, ठीक है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी यूनिट है 1 कूलाम चार्ज। तो अपन ये पता करें कि किसी स्फीयर की कैपेसिटी क्या होगी, स्फीयर समझते हैं, कोई सी भी बॉल, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो बॉल किसी चीज की हो, कोई सी भी बॉल ले लें, ये जैसे बॉल ले लें, इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब मैं इसको चार्ज देना चालू करूंगा तो कब ये चार्ज लेना बंद कर देगी, उल्टी कर देगी कि अब नहीं चाहिए चार्ज, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, भाई बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकती इससे ज्यादा चार्ज। तो हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर, इसको नोट करो फटाफट। चलिए मिटा रहा हूं मैं, अब पता कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की भी कैपेसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, वो बात अलग है कि इट इज नॉट ए कैपेसिटर। कैपेसिटर बनेगा तो उसमें दो प्लेट लगेंगी, स्फीयर में कोई दो प्लेट नहीं, एक ही प्लेट है, मतलब जो भी है वो सरफेस ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर, हाँ बीच में बंद हो गया था, हाँ तो मैं बोल रहा था व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर, यानी जिसकी रेडियस आर हो, ऐसी किसी बॉल की रेडियस क्या होगी, रेडियस नहीं कैपेसिटी क्या होगी, फेराड में चाहिए, बताओ इसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, अभी तो वही फॉर्मूला लगता होगा, तो वो फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू यानी इसको चार्ज जो दिया, तो इस बॉल को चार्ज दिया तो इसकी सरफेस पाता गया, एक हद के बाद इसने बोल दिया कि भाई अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तो हमने बोल दिया इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई तो कितनी कैपेसिटी है निकालनी है। तो जब अपन ने उसको चार्ज दिया तो बताओ उसके ऊपर वोल्टेज कितना आया, तो क्या तुम्हें वोल्टेज ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला पता है, तो वोल्टेज ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला है 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर, जहां पे आर इसकी रेडियस है, इट इज द वोल्टेज ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। अब चूंकि अंदर से हॉलो है तो सरफेस पे चला गया, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसकी सरफेस पे चार्ज हो, तो यहां पे क्या हुआ, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये इधर से इधर गया, तो कैपेसिटी इसकी कितनी आ गई, 4πε0 r, ये इसकी कैपेसिटी आ गई, आई बात समझ में। तो कैपेसिटी ऑफ स्फीयर यदि कोई पूछेगा तो वो आएगी 4πε0 r, जहां पे 4πε0 क्या है, 1/9 × 10⁻⁹, क्योंकि 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹, तो ये 1/ में चला जाएगा, ठीक है। आप चलो दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कैपेसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर की रेडियस वाले स्फीयर की कैपेसिटी बताओ, 9 मीटर की रेडियस वाले कर दो, चलो 9 मीटर की, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला लगेगा, C इज इक्वल टू 4πε0, उसकी जगह मैं लिखूंगा 1/9 × 10⁻⁹, और ये रेडियस की जगह 9 मीटर, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 10⁻-9 फेराड। अब ये यहां पे देखो 10⁻⁹ फेराड यानी 1 नैनो फेराड, 1 नैनो फेराड, इतना छोटा, ठीक है, और स्फीयर सोचो एक 9 मीटर बड़ा, 9 मीटर किसको बोलते हैं, ठीक है, 9 मीटर किसको बोलते हैं, ये आधा मीटर की स्केल है, आधा मीटर और लगा दो तो 1 मीटर हो जाता है,
ठीक है, 9 मीटर, 9 मीटर किसको बोलते हैं, अंदाज लग गया। तो 9 मीटर की स्केल, जितना बड़ा डायमीटर, इतना बड़ा तो कोई गोला ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो हो भी नहीं सकता, इस कमरे में भी नहीं आएगा। ये 2 मीटर का कमरा है, तो 2 मीटर वाले कमरे में जितने कई सारे कम लगा दें, तब जाके उसमें सिर्फ 1 नैनोफेराड चार्ज 1 वोल्ट पे आएगा। 1 नैनोफेराड, 1 नैनो कूलम चार्ज 1 वोल्ट पे आएगा। ऐसा क्यों बोला मैं, 1 Q/V होगा ना, तो 1 इतने कूलम चार्ज इतने वोल्ट पे, भाई Q इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू क्या, Q/C। इसका मतलब ये बेसिकली इतने नैनोफेराड का मतलब क्या है, नैनोफेराड को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, 1 नैनो कूलम पर वोल्ट, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि फेराड को बोल सकते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ 1 नैनो कूलम चार्ज ले पाएगा 1 वोल्ट पे, 1 वोल्ट वो करोगे तो 1 नैनो कूलम चार्ज ले पाएगा, इसका मतलब बहुत कम, ठीक है। तो जब भी तुमसे स्फीयर की कैपेसिटी पूछी जाए तो ये फॉर्मूला उपयोग में लाना। चलिए अब इसको पॉज दबा दें, लिख लिया। चलिए अब एक क्वेश्चन बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ बताएं, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी कितनी मानी जाए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो उसमें देखें, अर्थ जो है इट इज स्फीयर, अर्थ इज ए स्फीयर जिसकी रेडियस मान ले कि आर है, तो इसकी रेडियस आपको याद होनी चाहिए, कितनी रेडियस है अर्थ की, तो 6400 किलोमीटर, पता है, अरे पता है, अर्थ पे ही रहते हो ना, एलियन तो नहीं हो, दूसरे ग्रह से तो नहीं आया ना, तो अर्थ की कैपेसिटी और रेडियस वगैरह तो पता होनी चाहिए। तो अर्थ की रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है, डेंसिटी अर्थ की मिट्टी की 5500 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अब कैपेसिटी पूछिए, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू 4πε0R, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू 4πε0, ठीक है, यानी कि अर्थ को अपन चार्ज देंगे तो कितना चार्ज रखेगी, तो 4πε0 की जगह क्या लिखता लिखेंगे, 9 × 10⁻¹, और रेडियस की जगह डालेंगे 6400 किलोमीटर का 10³, किलोमीटर का मीटर में किया 10³। अब इसको कैंसिल आउट करें इससे, तो देखो 2 0 और 3 0 हो गए 5 0, और 5 0 कम हो गए, तो ऊपर हो गया 64, नीचे हो गया 9 × 10⁻¹, और 5 0 इसमें से कम करो तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करो, तो 9 7 63 होता, फिर 0.1 और आएगा, फिर 1 और आएगा, × 10⁻⁴ फेराड में। अब ये इसको मैं माइक्रो में ले जाता हूं, तो 711 कर दूं तो ये 10⁻⁶ हो जाता, ठीक है, इधर मैंने बढ़ाया है तो उधर घटाया, तो ये हो गया 711 माइक्रो फेराड, ये आएगी कैपेसिटी, ठीक है, 711 माइक्रोफेराड, लिख ले इसको। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, तो हमने निकाला 711 माइक्रोफेराड, जो कि सरासर गलत है। अब तुम बोलोगे कि लिखवा दिया, आप बोल रहे हो गलत है, काट दिया। एक चीज पहले बताओ, कैपेसिटी होती क्या, बेसिक कंसेप्ट क्या, मैंने क्या बताया, चार्ज खाने की क्षमता बिना उल्टी किए, ठीक है ना, तो चार्ज कितनी खा सकते हो, जितनी तुम रोटी खा सकते हो, 10 20 30 यहां तक भर जाए भले ही, ये तुम्हारी कैपेसिटी है। ऐसे कैसे किसी ने चार्ज लिया और उसने बोल दिया कि अब मैं चार्ज नहीं ले पाऊंगा इसके बाद, मतलब वहां उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो अर्थ को तुमने चार्ज दिया, अब चार्ज तुमने दिया कैसे, तो मान लो बिजली चमकी, ठीक है, बादलों से बिजली चमकी, तो ये बिजली बेसिकली है क्या, ये एक तरीके का चार्ज ही तो है, ठीक है। फिर ये जो प्लग रहता है ना, इस प्लग में अर्थिंग होती है, अर्थिंग में अगर करंट लीक हो गया तो उसको अपन जमीन में डाल देते हैं, ठीक है, तो अर्थ ही ले लेती है वो चार्ज। क्या कभी अर्थ ने मना किया कि अब मैं चार्ज नहीं लूंगी, या कभी ऐसा हुआ कि बिजली वगैरह चमकी और चार्ज इतना ओवरफ्लो हो गया कि सड़कों पर आ गया,
और तुमने पैर रखे तो तुम्हें झटके लग रहे हैं। नहीं ना, अर्थ चार्ज लिए जा रही है अरबों खरबों सालों से, क्योंकि भले ही तुम बोलो कि बिजली तो अभी की है, पर ये चार्ज जो ऊपर से चमक रहा है तो सालों पुराना है। अर्थ के बनने के समय से ही बिजली तो चमक रही है, और बिजली तो आसमान से चमकती है, तो वहां से जो बिजली इसके ऊपर गिर रही है, अर्थ चार्ज ले रही है, तो क्या अभी इसने मना किया? क्या इसने मना किया कि मैं चार्ज नहीं लूंगी? नहीं ना, लेते जा रही है, कब तक लेगी पता नहीं। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ? तो उसका आंसर है द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अगर कोई पूछे तो उसको बोलना कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं कब तक लेगी वो, तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। और एक चीज ध्यान रखना, इनफाइनाइट कैपेसिटी कभी खत्म हो गई तो अपन जीने लायक नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सड़कों पे चार्ज आ जाएगा, उसने चार्ज की उल्टी करना चालू करी ना, तो फिर सड़कों पे चार्ज आ जाएगा, पैर रखेंगे झटका लगेगा, जानवर वानवर कूदते हुए चलेंगे सब, अपन तो फिर भी जूते पहन लेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो फिर ये क्या निकाल लिया? तो बेसिकली ये क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं तो ये सॉल्यूशन सही हो जाएगा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ एज ए स्फीयर? अगर तुम उसे गोला मानो तो फिर उसकी कैपेसिटी क्या है? तो उसकी कैपेसिटी 711 माइक्रो फेराड है, बिल्कुल सही है, अगर तुम इसे गोला मानो तो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इफ इट इज कंसीडर्ड एज ए स्फीयर। लेकिन अगर उसने पूछा कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, देन इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये लिख ले कैपेसिटी ऑफ अर्थ, उस क्वेश्चन को चेंज करें, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ एज ए स्फीयर, तो तुम्हारा आंसर सही है। और साइड में नोट डालें, कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज इनफाइनाइट। ठीक, लिख लें इसको। चलिए, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि दुनिया जितना बड़ा, मतलब पृथ्वी जितना बड़ा गोला ले ले तो भी 711 माइक्रो फेराड का है, तो फिर ये इतने से में 2.25 मेगा फेराड कैसे आ गया? तुम सोचो पहले, 2.25 मेगा फेराड मतलब क्या लिखा हुआ इसके ऊपर? 2.25 MFD लिखा हुआ। ठीक है, मेगा फेराड, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 225000 फेराड। इतनी कैपेसिटी इसके अंदर, इतना चार्ज भरा पड़ा इसके अंदर, और हमारी पृथ्वी अगर पूरा का पूरा गोला होती तो 711 माइक्रो फेराड ले लेती। तो इसके अंदर ऐसा करा क्या इनने जो इतना सारा चार्ज भर गया? जबकि अगर अपन इसको अंदर की चीजें हटा दें और सिर्फ इसका डब्बा ले लें तो इतना चार्ज थोड़ी आएगा इसके अंदर, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म है, ठीक है, इनने अंदर कुछ किया है, तो हम इसको खोल के देखेंगे कि इनने अंदर किया क्या। ठीक है, वैसे तो मैं कई बार खोल चुका हूं, सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली करता हूं किसी भी चीज का, तो मैंने खोल के देखा इसके अंदर है क्या, और फिर ये देखा कि क्या जो हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है उससे मैच करता है कि नहीं। तो उसका आंसर है हाँ, करता है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा, पर बिल्कुल जो डिजाइन उसमें जो किताबों में दिया जाता है वैसा नहीं रहता, अंदर कुछ और डिजाइन है, पर बात एक ही रहती है। प्लेट्स उसमें भी बताई जाती है, इसमें भी बताई जाती है, प्लेट इसमें भी रहती है, पर वैसी दिखने वाली नहीं रहती। तो अब अपन क्या करेंगे कि हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कैपेसिटर बना कैसे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, यहां से अपन देखेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर ये अपना अगला टॉपिक है, तो अभी देखते हैं इसको कि प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर कैसे होता। उसके पहले एक चीज मुझे बताओ, क्या कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड है? तो कोई भी व्यक्ति अगर पहले बार देखेगा तो ये जो फॉर्मूला लगाएगा इससे वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये बोलेगा कि हाँ कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड है। तो प्रश्न यह है कि क्या बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर 6 लीटर जो भी है, क्या बाल्टी की कैपेसिटी पानी पे डिपेंड है? कि उसकी कैपेसिटी जो होती है वो होती है, तुम पानी भरो या मत भरो, उसकी कैपेसिटी तो वही रहेगी 5 लीटर। तो उसका आंसर है हां, पानी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, वो खाली भी रहेगी तो भी तो कैपेसिटी 5 लीटर ही कहलाएगी। जैसे तुम्हारी भूख 4 रोटी की है तो तुम्हारी कैपेसिटी 4 की है, खाना खिलाए या ना खिलाए, यानी खाना मतलब रोटी, रोटी मतलब 4, चार्ज पे डिपेंड थोड़ी है वो, तो 4 की भूख लगती है तो 4 ही लगती है। हाँ, 4 मिल जाए बड़ी अच्छी बात, नहीं मिलेगी तो भी 4 की भूख लगी रहेगी, 1-3 ही खाई तो 1 की कम ही रह जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, ये यहां पे प्रूव हो गया था। तो तुम ये देखो फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू 4πε0 r। तो कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करती है? रेडियस। सीधी बात है कि जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा खाएगा, रेडियस मतलब बड़ा गोला मतलब ज्यादा खाएगा।
तो कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? रेडियस पे। इसके अलावा कैपेसिटी एक बात पर और डिपेंड करती है कि किस पोटेंशियल पे चार्ज दिया जा रहा है, ठीक है, किस पोटेंशियल पे चार्ज दिया जा रहा है पे भी कैपेसिटी डिपेंड करती है। कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन साइज, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल एट विच द चार्ज इज गिवन। लेकिन बेसिकली क्या है, पहले तो अपन शब्द लिख लें, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंडक्टर। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, ठीक है। कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंडक्टर। दूसरी चीज, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा। Q इज इक्वल टू सी वी में यदि तुम C को कांस्टेंट मान रहे हो, तो अगर तुम वोल्टेज कम कर दो किसी तरीके से तो ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। वोल्टेज यदि कम कर दें, तो अब वोल्टेज कम कर दें तो वोल्टेज तो कम होता नहीं कंडक्टर का, लेकिन नेट वोल्टेज कम किया जा सकता। अब नेट वोल्टेज कैसे कम किया जा सकता है, तो अगर नेट वोल्टेज कम कर देंगे तो उससे जो है वो कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। नेट वोल्टेज कम कर देने से कैपेसिटर बन जाएगा, तो इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कोई पूछे कि कैपेसिटर बनाते कैसे, वोल्टेज कम कर देते, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज इज डिक्रीज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी, इंक्रीज द कैपेसिटी। अब वोल्टेज कम कैसे करते हैं, तो जो एक प्लेट है जिसको अपन चार्ज दे रहे थे, उस प्लेट के प्लस एक दूसरी चार्ज प्लेट जो कि निगेटिव होगी लाएंगे। अब इसका जो पोटेंशियल है, निगेटिव होगी लाएंगे मतलब क्या है, बेसिकली तो वो अनचार्ज प्लेट लाते हैं, वो इंडक्शन से निगेटिव हो जाती, ठीक है, और उसको अर्थ कर देते हैं। समझ में आई बात, फिर से सुने, इसको चार्ज दिया, शुरुआत से देखे, इसको चार्ज दिया, इसने बोल दिया कि भाई अब इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले पाऊंगा, इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। हम क्या चाहते हैं, कैपेसिटी बढ़े, कैपेसिटी बढ़े तो हमने क्या किया, इसके पास में एक अनचार्ज कैपेसिटर लाए, अनचार्ज प्लेट लाए, प्लेट कैपेसिटर नहीं, प्लेट, पहले भी प्लेट थी अभी भी प्लेट ही है, तो प्लेट को पहले अपन ने चार्ज दिया, क्यों, इसकी कैपेसिटी जो है वो एक हद तक बढ़ी, एक हद तक रही, उसके बाद इसने मना कर दिया, तो हम दूसरी प्लेट लाए पड़ोस में, अनचार्ज प्लेट की एक तरफ माइनस चार्ज आ गया, दूसरी तरफ हमने अर्थ कर दिया ताकि जो प्लस आया वो जमीन में चला जाए। अब क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है माइनस का, ये कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये भी कुछ करेगा। तो मान लो इसने 20 वोल्ट क्रिएट करता था, तो ये पड़ोस वाला 19.5 वोल्ट ऐसा कुछ क्रिएट करेगा माइनस में। अब तुम बोलोगे 20 ही क्यों नहीं करेगा, तो आइडियली तो 20 करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो थोड़ा कम करता है, क्यों, क्योंकि वो इंड्यूस होता है। जैसे मैंने 100 बार सच बोला, मैंने सामने वाले को बोला कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन वो इंड्यूस होकर 90 बार ही सच बोलता है, वो 100 बार नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडक्शन मुझसे हो रहा। मैंने तुम्हें 100 क्वेश्चंस बताया, तुम्हें 95 भी समझ में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 आ सकते हैं आइडियली, लेकिन 95 भी समझ में आते हैं। तो इसमें से 100 में इस इधर वोल्ट आया, तो इधर -19.5 वोल्ट आया, तो कुल मिला के जो वोल्टेज बचा वो बचा 0.5 वोल्ट्स। इसका मतलब जो सिस्टम ऐसा था उसका जो वोल्टेज है अब 0.5 वोल्ट हो गया। तो अगर ये क्यू चार्ज खाता था, तो अब क्या करेगा कि चूंकि वोल्टेज कम हो गया तो ये ज्यादा चार्ज खाए, थोड़ा सा इसको 0.5 की जगह 19 कर लो। यदि 19 कर लोगे तो 20 वोल्ट इसका माइनस 19 इसका, तो 1 वोल्ट इसका। तो पहले जो वो क्यू चार्ज खाता था, तो अब उसका वोल्टेज 20 गुना कम हो गया, ठीक है। वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज 20 गुना कम हो गया, तो चार्ज खाने की क्षमता 20 गुना बढ़ गई।
आई बात समझ में? चार्ज खाने की क्षमता 20 गुना बढ़ गई, क्यों? क्योंकि वोल्टेज यदि 20 गुना कम हुआ तो चार्ज खाने की क्षमता 20 गुना बढ़ गई। ये प्रिंसिपल है किसी कैपेसिटर को बनाने का, ठीक। तो कोई भी कैपेसिटर खोलोगे, अगली क्लास में खोलेंगे, तो उसके अंदर एक प्लेट लगी रहेगी इधर साइड, एक प्लेट इधर लगी रहेगी। एक को तुम चार्ज दोगे, दूसरी वाली अनचार्ज रहती है, बेसिकली उसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग ये लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, एक को प्लस देते हैं दूसरे को माइनस देते हैं, वो भी अर्थिंग जैसी बात है, ठीक है। तो एक को प्लस दो दूसरे को माइनस दो, तो इसके ऊपर जो प्लस में चार्ज आएगा इसमें माइनस में चार्ज आएगा। इंडक्शन इफेक्ट के कारण नेट वोल्टेज डाउन हो गया, नेट वोल्टेज डाउन हो गया, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको।